बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। मुनिश्रेष्ठ, मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो बताइए, उस त्रुटि का प्रायश्चित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज श्री राम, आपने रावण के अत्याचारों से विश्व को मुक्ति दिलाई है, प्रजा का पालन भली भांति कर रहे हैं। आपके राम राज्य में धर्म की ज्योति चहुं ओर आलोकित हो उठी है, किंतु किंतु क्या मुनिवर? क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। क्षमा करें मुनिवर, गया तीर्थ में पिंड दान करने के विषय में प्रभु श्री राम को स्मरण था। इसीलिए प्रभु ने ब्राह्मण भोज आदि से पूर्व मुझे गया जी जाने के लिए समस्त व्यवस्था करने के लिए आज्ञा भी दी थी। गुरुजी वहां जाने के लिए पुष्पक विमान भी उपस्थित था, किंतु प्रभु ने सूर्यदेव एवं पूर्वजों को वचन भी दिया था गुरुजी कि प्रभु सर्वप्रथम सुखमय एवं धर्ममय राम राज्य की स्थापना करेंगे, और अब प्रभु आप सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके तीर्थ यात्रा पर ही जाने वाले हैं। इस संस्कार के महत्व से भली भांति परिचित हूँ। ये संस्कार तो पूर्वजों का आदर भी है, पूर्वजों के आशीर्वाद से ही वंश फलता फूलता है। एक राजा के रूप में इस कार्य को कर सारी प्रजा का मार्गदर्शन भी करना चाहता हूँ। मुनिवर, कोई भी तीर्थ यात्रा आप जैसे तपस्वियों के आशीर्वाद के बिना फलदायी नहीं हो सकती, इसलिए तो इस ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। अतः इसे स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दें कि हम पिंडदान एवं अन्य पूजाएं समस्त रीतियों एवं विधि विधान का पालन करके संपन्न करें और हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो। क्षमा करें राजन, आपके धर्म पालन पर मैंने संदेह किया। मेरा आशीर्वाद है आपको कि आपका यह अनुष्ठान सफल हो, आपके इस विचार को कोई हानि ना पहुंचा सके, ना कोई बाधा आए, और आप अपनी प्रजा के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का क्या महत्व है। आपकी तीर्थयात्रा सफल, सुफल एवं सुखद हो। श्रेष्ठ निकुंभ, अयोध्या से समाचार आया है कि अयोध्या का राजा गया जाने की योजना बना रहा है। पिंड दान करेगा वो गया में। इस प्रकार वो प्रजा के समक्ष धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। पिंड दान धर्म का उदाहरण नहीं कर पाएगा वो। मैं रोकूंगा उसे, और पिंड दान अपूर्ण रह गया तो पूर्वजों का होगा अनादर। इस प्रकार राम के हाथों अधर्म होगा, अधर्मी राजा की प्रजा भी
अधर्म करने लगेगी और तब अयोध्या में भी राक्षसी सोच के लिए द्वार खुल जाएंगे। राम का ये पिंडदान किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होना चाहिए। किस सोच विचार में डूबे हो हनुमान? नहीं नहीं, कुछ विशेष नहीं प्रभु। मैं जान गई हूँ हनुमान, कोई नवीन विषय होता है तो मेरे पुत्र के मन में जिज्ञासाएं उमर घुमर करने लगती है ना हनुमान? माता, एक माता ही तो है जो अपने पुत्र के मन की बात बिना कहे ही जान लेती हैं। माता, मेरा जिज्ञासु मन आश्चर्य में है कि ऐसा गया जी में क्या है कि जो भी वहां पिंडदान करते हैं उनके पितरों को सदगति प्राप्त हो जाती है। माता, ऐसा क्या विशेष है गया जी में? मैं तुम्हें बताऊंगी हनुमान। पूर्व काल में गयासुर नामक एक महाविकराल काय दानव वो असुर होकर बड़ा ही धर्मात्मा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। वो श्री हरि विष्णु देव को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप कर रहा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। शनै शनै उसके तप का तेज इतना बढ़ता गया कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। और फलस्वरूप संसार में एक विचित्र प्रकार से पापाचार बढ़ गए। मनुष्य यत्र तत्र असीम पाप करते और गयासुर के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। पाप कर्मियों को मोक्ष की प्राप्ति, यह अनुचित है। इस प्रकार तो पाप और बढ़ जाएगा। ये कैसी विडंबना है, पापियों को दंड मिलना चाहिए मोक्ष नहीं। हाँ पुत्र, जैसा सब अनुमान लगा रहे थे वही हुआ। पाप में वृद्धि होने लगी, संसार में दान पुण्य यज्ञ आदि कार्य बंद हो गए। चित्त देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। सबको सहजता से मोक्ष की प्राप्ति होने से स्वर्गलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक असंतुलित हो गए। तब संसार को असंतुलन से बचाने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। गयासुर, जगत पिता ब्रह्मदेव। प्रणाम जगत पिता। तुम्हारा कल्याण हो गयासुर। परंतु जगत पिता, आप, मैं तो विष्णु देव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप कर रहा था। और मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम मुझसे कोई वरदान भी नहीं मांगोगे। अतः तुम ऐसा करो कि मुझे ही एक वरदान दे दो। प्रभु, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो जो चाहिए मांग लीजिए। तपस्या में बैठा हुआ तपस्वी कभी भी किसी को कुछ भी देने से मना नहीं करता। तपाग्नि से पवित्र हुई तुम्हारी इस देह पर बैठकर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। माता, सबको वरदान देने वाले ब्रह्मदेव जी
स्वयं ही वरदान मांगने लगे। जगत कल्याण के लिए ईश्वर को सब करना पड़ता है पुत्र। गयासुन ने इसे अपना सौभाग्य मानकर ब्रह्मदेव को इसके लिए अनुमति दी। वो स्वयं पृथ्वी पर लेट गया और उसकी विशालकाय देह के नीचे 5 कोश का क्षेत्र आ गया। प्रभु ब्रह्मदेव उसकी विशालकाय देह पर बैठकर यज्ञ करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। ब्रह्मा जी के नीचे लेटे रहने के कारण पापियों को गयासुर के दर्शन होने बंद हो गए, किंतु एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण होने को था। देवताओं को यह भय सताने लगा कि यज्ञ के पश्चात गयासुर पुनः तपस्या करने के लिए बैठ जाएगा। तब तो पुनः पूर्व के जैसी ही स्थिति हो जाती। सृष्टि पुनः असंतुलित होने लगती। हाँ पुत्र, इसीलिए यज्ञ पूर्ण होते ही गयासुर को उठने से रोकने के लिए सभी देवता उसके विभिन्न अंगों पर खड़े हो गए। ये देवताओं को क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किंतु संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महाबली गयासुर को रोक पाना उन देवताओं के वश से बाहर हो रहा था। तो भयभीत देवताओं ने श्री हरि विष्णु देव की गुहार लगाई और अंततः जगत कल्याण के लिए स्वयं विष्णु देव को भी आना पड़ा। प्रभु, आपकी चरणों का रज पाकर आपके भक्त गयासुर का जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करते हुए इसी प्रकार अपने चरणों के नीचे रहने दीजिए। प्रभु, उत्तम भक्त गयासुर, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी में समाना होगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में मेरे चरण अप्रत्यक्ष रूप से स्थित रहेंगे और यहाँ की पृथ्वी के नीचे तुम स्थित रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी एवं अपने पापों का प्रायश्चित ना करके तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गयासुर, मेरा वरदान है तुम्हें पृथ्वी में समाने के पश्चात भी तुम्हें आहार प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी देह के ऊपर के इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से ही गयाजी तीर्थ रूप में जाना जाएगा। जो भी यहां अपने पूर्वजों को पिंड दान करेगा उसके पितृ ही नहीं वो स्वयं भी सग्रति का अधिकारी हो जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। आप स्वयं ही मुझे पृथ्वी में स्थित कर दीजिए। अवश्य गयासुर।
वाह, तब तो प्रभु विष्णु देव की उस लीला स्थली पर जाना तो अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। किंतु हनुमान, मार्ग में काशी नगरी भी पड़ती है। पुत्र राम, हमें काशी में रुककर गंगा पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आप पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम हम काशी ही जाएंगे। इनका प्रथम पड़ाव है काशी, उचित है। हम अपना कार्य काशी से ही प्रारंभ करेंगे। काशी नगरी शिव के बारे रामचंद्र सिया संग पधारे, माँ गंगा पूजन के लाई, जानकी मैया थाल सजाई। माता, मैं भी आपके साथ दीपक बनाता हूं। भरत लखन शत्रुघ्न सहाए, देखी देखी कपि हर्षाए, आन पड़े कछु नव व्यवधान, चुस्त सतर्क सजग हनुमाना। मुझे आसपास किसी के होने का आभास हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम का परिवार सब एक साथ गंगा पूजन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कैसा मनोहारी दृश्य है ये, इन पे किसी की कुदृष्टि ना पड़े। कुछ तो हलचल हो रही है, तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए अधर्मी भी आ गया है। मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण होना। ये मायावी कोई बाधा डाले, उसके पूर्व ही मुझे इसे रोकना होगा। देवी सुरेश्वरी भगवती
गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्ताम तव पद कमले हरिपद पाद तरंगिणी गंगे हिम विदुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भव सागर पारम तव जल ममलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वयो भक्तः किलतम द्रष्टुम नायम शक्तः। कोई तो अधर्मी है जो हमारे प्रभु की पूजा में विघ्न डालना चाहता है। इससे पूर्व कि वो हमारे प्रभु की पूजा में कोई अनिष्ट करे, मुझे शीघ्र अति शीघ्र उसके बारे में ज्ञात कर उसको रोकना होगा। विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध और पिंडदान से जो शक्ति हमारे पूर्वजों को मिलती है, वही शक्ति वो आशीर्वाद के रूप में हमें लौटाते हैं।